कहते हैं संगीत में एक ऐसी शक्ति है जो हमारी आंतरिक भावनाओं को एक आकार देती है। हमारे आज के गीत में भी एक ऐसी ही शक्ति है। तो वे कहते हैं कि सबै भूमि गोपाल की, जा मैं अटक कहां, जाके मनमा अटक है सोई अटक रहा। जीवन से ना हारो जीने वाले, बात मेरी तू मान रे मत वाले। गीतकार हैं रिशाद जलील। अगर आप कुछ अलग करना चाहते हैं तो भीड़ से हटकर चलिए। भीड़ हौसला तो देती है मगर पहचान छीन लेती है। प्रणाम और स्वागत है आप सबका विश्व शांति दर्शन चैनल के मंच पर। चैनल के जनक हैं विश्व शांति के प्रबल समर्थक विश्वधर्मी प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ खराज। गीतों के बोल बड़े अनमोल इस श्रृंखला को तो आप देख ही रहे हैं और हम ढूंढ रहे हैं हिंदी फिल्मों के गीतों में छिपा हुआ अध्यात्म। अब तक जिन गीतों में हमने ढूंढा था अध्यात्म, उनके बोलों में विविधता थी, अनेक रंग थे, लेकिन इस बार हमने थोड़ा फेर बदल किया है और वो गीत चुने हैं जिनमें जिंदगी का फलसफा छिपा है, जीवन का अध्यात्म दिखाई देता है। चुनौतियों पर काबू पाना हर किसी के जीवन का एक हिस्सा है। कुछ को अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है तो दूसरों को कम। कुछ चुनौतियों से पार पाना बहुत मुश्किल हो जाता है और मुश्किलें हमारे सामने खड़ी हो जाती हैं। फिर भी देखा जाए तो मनुष्य अपने रास्ते में आने वाली किसी भी चुनौती या बाधाओं को दूर करने में सक्षम है। ऐसा इसलिए क्योंकि चुनौतियां और कठिन समय में हमें मजबूत बनाने के लिए ईश्वर का एक और तरीका है और ईश्वर हमें ऐसी चुनौती नहीं देंगे जिसे हम दूर नहीं कर सकते। एक बार एक छोटे से पेड़ पे एक तितली का ककून लटका हुआ था। उसमें एक छोटा सा छेद दिखाई दे रहा था जिससे होकर एक अपरिपक्व तितली बाहर निकलने का प्रयास कर रही थी। एक लड़का जो वहां से गुजर रहा था रुका और उसने देखा कि कैसे तितली एक ककून से बाहर निकलने की कोशिश कर रही है। तितली को बहुत समय लग रहा था, वो बहुत प्रयास कर रही थी, काफी शक्ति लगा रही थी। समय बीत रहा था और ऐसा लग रहा था कि जल्दी ही तितली हिम्मत हार जाएगी। लड़के ने तितली की मदद करने का फैसला किया। उसने एक चाकू लिया और ककून से उसको काट दिया। तितली तुरंत बाहर निकल गई, लेकिन उसका शरीर कमजोर था और पंख मुश्किल से हिल रहे थे। लड़का तितली को देखता रहा और ये सोचकर कि अब उसके पंख फैलेंगे और वो उड़ जाएगी, मगर ऐसा नहीं हुआ। अपने शेष जीवन में तितली को अपने कमजोर शरीर और पंखों को घसीटना पड़ा जो फैल नहीं सके। वो उड़ने में असमर्थ थी क्योंकि लड़के को यह एहसास नहीं था कि ककून के छोटे से संकीर्ण छिद्र के माध्यम से बाहर निकलने का प्रयास तितली के लिए बहुत आवश्यक था ताकि जीवन देने वाला द्रव्य शरीर से तितली के पंखों तक पहुंच जाए और वो मजबूत हो सके और फिर उड़ सके। तितली का अपने ककून से अपने खोल से संघर्ष करके बाहर निकलना उसके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। जी हाँ, प्रकृति तितली को उसके खोल से मुश्किल से छोड़ने के लिए मजबूर कर रही थी ताकि वो और मजबूत बन सके और विकसित हो सके। लेकिन लड़के द्वारा अनजाने में की गई मदद से तितली संघर्ष के मूल्य को समझ नहीं पाई। यदि हमें कठिनाइयों का सामना किए बिना जीने दिया जाता है तो हम व्यवहार्य नहीं हो पाते। जी हाँ, व्यवहारिक नहीं हो पाते। जीवन हमें मजबूत बनाने के लिए दरअसल चुनौतियां देता है। जीवन के इसी फलसफे को लेकर आज हम आगे बढ़ेंगे और सुनेंगे आज का गीत जिसके बोल हैं, जीवन से ना हारो जीने वाले, बात मेरी तू मान रे मत वाले। गीतकार हैं रिशाद जलील। जीवन से ना हारो जीने वाले। गीत में छिपे अध्यात्म को ढूंढ रहे हैं डॉक्टर सुनील देवधर और मानसी कार्कर। गीत को इस एपिसोड के लिए गाया है नीलाक्षी पिंडारकर और ज्ञानेश पिंडारकर जी, जो नाट्य संगीत के अपने आप में बहुत बड़े अनुयायी हैं दोनों। आप देख रहे हैं गीतों के बोल बड़े अनुभव। नमस्कार, स्वागत है आपका विश्व शांति दर्शन चैनल पर। आप देख रहे हैं गीतों के बोल बड़े अनमोल। कहते हैं संगीत में एक ऐसी शक्ति है जो हमारी आंतरिक भावनाओं को एक आकार देती है। हमारे आज के गीत में भी एक ऐसी ही शक्ति है। इस गीत के बोल हमारे अंदर साहस और सहनशीलता भर देते हैं। गीत है जीवन से ना हार ओ जीने वाले। ये गीत मूवी दूर का राही से है जो 1971 में रिलीज हुई थी। एंड हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सुनील देवधर जी। नमस्ते सुनील जी। नमस्कार मानसी जी। नमस्कार। इनकी पुस्तक बड़े अनमोल गीतों के बोल पर हमारा यही प्रोग्राम आधारित है, तो चलिए सुनते हैं ये पहला गीत। जरूर।
झिन्ना झिन झिन झिन्नारा झिन्ना झिन झिन झिन्नारा साथ रे ये ऊपर वाला वो ही है तेरा रखवाला जीवन से ना हारो जीने वाले झिन्ना झिन झिन झिन्नारा जीवन से ना हारो जीने वाले बात मेरी तू मान रे मत वाले हर गम को तू अपना कर दिल का दर्द छुपा कर बढ़ता चल तू लहरा कर दुनिया के सुख दुख को बिसरा कर। इंग्लिश में कहावत है विनर्स नेवर क्विट एंड क्विटर्स नेवर विन। जिंदगी के खेल में अप्स एंड डाउन्स तो होते ही रहते हैं लेकिन जब भी एक ऐसा मोड़ आता है जहां हम बहुत सारी कठिनाइयों से गुजरते हैं हमारा मन हार मान लेना चाहता है लेकिन गीतकार ने बहुत सुंदरता से यहां जो बोला है कि जीवन से ना हार जीने वाले हर गम को तू अपना कर दिल का दर्द छुपा कर बढ़ता चल तू लहरा कर दुनिया के सुख दुख को बिसरा कर जीवन से ना हार जीने वाले। सुनील जी इन पंक्तियों के अध्यात्म पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। धन्यवाद मानसी जी आपने एक सविस्तर लंबा प्रश्न किया है लेकिन बहुत संक्षेप में मैं हाँ क्योंकि आपके कहने में कुछ कुछ उत्तर भी शामिल है। हाँ जी। जैसे कहा आपने कि जीतने वाला कभी भाग नहीं सकता और जो भाग रहा है वो जीत नहीं सकता। बिल्कुल। तो नेपोलियन का एक उदाहरण है कि जब आल्प्स पर्वत पर सामने सेना की सारी ठिठक गई कि अरे इसको कैसे पार करेंगे तो नेपोलियन ने कहा कि वो पर्वत है कहाँ और जब वो है ही नहीं तो फिर उसके सामने रुकने या झुकने की ज़रूरत क्या है और इस तरह से पूरी की पूरी सेना वो पर्वत लांग गई। एक उदाहरण राजा रणजीत सिंह का भी है क्योंकि राजा रणजीत सिंह जब अपनी सेना के साथ में आगे बढ़ रहे थे तो एक अटक नदी आ जाती है तो वे कहते हैं कि सबै भूमि गोपाल की जा में अटक कहाँ जाके मनमा अटक है सोई अटक रहा। जिसके मन में अटक है वही अटक के रह जाता है। तो जो बात आपने कही है कि जीवन में अगर हारिए ना हिम्मत बिसारिए ना राम वाली जो हमारे यहाँ चलन में ये वाक्य है तो आप अगर ईश्वर का स्मरण करते हुए अपने काम के प्रति पूरी आस्था और निष्ठा से आगे बढ़ते हैं तो लगता नहीं कि फिर उस काम की सफलता में कोई संदेह रहेगा। बिल्कुल सही। तो मुझे लगता है आप जो कहना चाहते हैं कि एक तो दो चीज़ें होती हैं या तो आप भीड़ में एक जो मतलब लोगों के साथ जो एक साहस बना रहता है कि हम अकेले नहीं है इनके साथ कर लेंगे जो भी है। हाँ। और अगर अकेले हैं तो फिर भगवान पे बिल्कुल भरोसा रखिए क्योंकि हो ही जाएगा वो आपको ऐसा कुछ देंगे नहीं जो आप नहीं कर पाएंगे। आपने सही कहा मानसी जी लेकिन कर्ता कोई एक है जी भीड़ साथ चलती है जी साहस पहला कदम कोई एक लेता है। वो कहते हैं ना गुलजार के ही शब्द हैं कि अगर आप कुछ अलग करना चाहते हैं तो भीड़ से हटकर चलिए। अगर आप कुछ अलग करना चाहते हैं तो भीड़ से हटकर चलिए। भीड़ हौसला तो देती है मगर पहचान छीन लेती है। बहुत खूब। तो आपकी पहचान नेपोलियन की पहचान इसलिए राजा रणजीत सिंह की पहचान इसलिए सेना तो है ही साथ में लेकिन उन्होंने भीड़ से अलग हटकर एक हिम्मत दिखाई और अपनी सेना को लेकर आगे बढ़ी। बिल्कुल सही जी। तो चलिए आगे की गीत भी सुन लेते हैं। जरूर। सुख दुख है जीवन के दो पैराए धूप सुनहरी कहीं घनेरे साए सुख दुख है जीवन के दो पैराए धूप सुनहरी कहीं घनेरे साए जो सूरज अंधियारे में खो जाए वही लौट कर नया सवेरा लाए तू बढ़ता चल तू लहरा कर
दुनिया के सुख दुख को बिसरा कर जीवन से ना हारो जीने वाले। बात मेरी तू मान मेरे मत वाले। जिंदगी के उतार चढ़ाव, समय का बदलता हुआ फेर, जिंदगी में बस एक ही चीज कांस्टेंट है और वो है चेंज जी। तो इस जो बदलाव, ये जो चेंज है, इसके बारे में गीतकार ने जितनी सुंदरता से अभी हमें सुनाया है जी। उस पे थोड़ी सी चर्चा करते हैं, उसमें क्या अध्यात्म छुपा है। आपने सही कहा कि एक ही चीज है जो परिवर्तनशील है और वो है परिवर्तन हमेशा परिवर्तनशील है जी। कि वो, और दूसरे शब्दों में ये कहें कि केवल एक ही अपरिवर्तन है कि वो परिवर्तन है, वो तो बदलता ही रहेगा। तो जो आपने बात कही है और जिसमें इसमें जो दुख की बात आई है, तो महादेवी वर्मा की एक पंक्ति है कि हार भी तेरी बनेगी माननी जय की पताका। तो दुख पर भी विजय पाना है और जो सामने बाधा है या संकट है उस पर भी विजय पाना है। और एक समय ऐसा आता है जब आपका दुख भी उस सीमा से पार हो जाता है। गालिब ने कहा ना, रंज से खूंगर हुआ इंसान तो मिट जाता है गम, इतनी बड़ी मुश्किलें मुझ पर की आसान हो गई। मुश्किलें जब हद से, दर्द का हद से बढ़ जाना है दवा हो जाना जी। तो आखिर कितना होगा। इसलिए, और उसमें अगर आध्यात्म की ताकत आपके साथ में है तो उस दुख को सहना आसान हो जाता है। इसलिए जीवन में आध्यात्म है। आध्यात्म कुछ ऐसा नहीं है कि वो हमारे जीवन से कहीं अलग कोई चीज़ है, हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा है और अगर हम उसको साथ लेकर चलते हैं तो हम एक आंतरिक शक्ति का अनुभव अपने आप करने लगते हैं। बहुत खूब, आगे की पंक्तियां भी सुन जरूर, लेते जरूर हैं। बहती नदियां तुझको याद दिलाए, समय जो जाए कभी लौट ना आए। बहती नदियां तुझको याद दिलाए, समय जो जाए कभी लौट ना आए। दीप तो वो जो हवा में जलता जाए, खुद को जलाकर जग को राह दिखाए। तू बढ़ता चल, तू लहरा कर, दुनिया के सुख दुख को बिसरा कर, जीवन से ना हारो जीने वाले। बात मेरी तू मान मेरे मत वाले। सुनील जी, ये जो अभी हमने पंक्तियां सुनी थी जी, दीप तो वो है जो हवा में जलता जाए, खुद को जलाकर जग को राह दिखाए, ये जी, सुनने में जितनी सुंदर लगती हैं, मुझे नहीं लगता कि ये आज के संदर्भ में इनके लिए कोई जगह है। एक दूसरे की मदद करने के बजाय लोग और स्वार्थी हो जा रहे हैं, तो लोगों में एक सेल्फलेस नेचर, निस्वार्थता कैसे जागृत कर सकते हैं। उसीलिए तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं। अध्यात्म एक मेव मार्ग है, जैसा हमने कहा कि ये व्यावहारिक जीवन का भी एक हिस्सा है, ये केवल भक्ति का भाग नहीं है। और जब आपने कहा कि वो कहते हैं ना कि दिया खुद कह रहा है कि मेरी लड़ाई, मेरा संघर्ष तो अंधेरे से है, हवाएं तो बेवजह मेरे खिलाफ हैं। तो जब आप किसी समस्या के साथ में जूझ रहे होते हैं, या जिसमें इसमें एक और यो पंक्ति आ रही है, नदियाँ और पानी वाली बात, तो आप ये देखें कि नदी के प्रवाह में लगातार पानी बदलता रहता है, वो रुकता नहीं है। और समुद्र में लहर दूसरी हो सकती है लेकिन पानी वही है जी। क्योंकि वही लहर लौटती है, वही लहर आती है, तो लहर बदल सकती है लेकिन पानी वही है। लेकिन नदी में वो बात नहीं है। नदी में जो पानी निकल गया, प्रवाहित हो गया, वो पानी लौटता नहीं है। तो ये जो आपकी बात है कि इतना स्वार्थी समाज हो गया है, दिखने को ऐसा दिखता है लेकिन हमें ऐसा लगता है कि समाज में अच्छे लोगों की गिनती कम है, उस ढंग से होती नहीं है। क्योंकि कम नहीं है लोग, क्योंकि एक दूसरे का साथ बुरे लोग भी देते हैं,
तो उस बुराई में भी एक अच्छाई छुपी है, क्योंकि वो लोग एक दूसरे का साथ दे रहे हैं। तो यही जब संख्या उस तरह से परिवर्तित होती है कि जहाँ अच्छाई की तरफ ज़्यादा लोग खड़े होते हैं, तब ये जो आपकी बात है कि दुनिया इस तरह से बदल रही है कि बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो गए हैं लोग, तो निस्संदेह ये काल का एक प्रवाह है कि अभी आत्म केंद्रित होते जा रहे हैं लोग, और आत्म केंद्रित होने का मतलब ये है कि वो स्वार्थी होते जा रहे हैं। बिल्कुल सही। ज़िंदगी का खेल कुछ ऐसा ही है कि अनफॉर्चुनेटली हम सभी को दुख, दर्द और हार से कभी ना कभी सामना करना पड़ता है जी। लेकिन हमारा जो आज का गीत था उससे हमें प्रेरणा लेनी चाहिए, और जीवन से हार मत मानिए। जिंदगी के संघर्षों में आप अकेले नहीं हैं, बस डटे रहिए। थैंक यू सुनील जी। धन्यवाद। मिलते हैं अगले हफ्ते एक नए गीत के साथ। नमस्ते। वेलकम बैक। जीवन से न हारो जीने वाले इस गीत के गीतकार हैं इरशाद जलीली। 80 के दशक की शुरुआत में ही अल्प आयु में वे चल बसे। अपने छोटे से सफर में वे कुछ ही गीत लिख पाए, लेकिन वे सभी गीत गागर में सागर के समान थे। उनका लिखा एक गीत बेकरार दिल तू गाए जा, खुशियों से भरे वो तराने जिन्हें सुनकर दुनिया झूम उठे और झूम उठे दिल दीवाने, दरअसल एक मील का पत्थर के समान है। उन्होंने ये गीत किशोर कुमार की 1971 में बनी फिल्म दूर का राही के लिए लिखा था। इस गीत को मैंने मील का पत्थर इसलिए कहा क्योंकि सन 2022 में बनी आलिया भट्ट की फिल्म गंगूभाई काठियावाड़ी में भी इरशाद जलीली के इस गीत को निखिल डिसूजा ने फिर से गाया। ज्यादातर काम इरशाद जलीली ने दरअसल किशोर कुमार द्वारा निर्मित फिल्मों के लिए ही किया था, फिर भी उनके बारे में बहुत ज्यादा है नहीं, उनका फोटो भी उपलब्ध नहीं है। देखा जाए तो इरशाद जलीली ने अपने छोटे से फिल्मी कैरियर में कई रोल निभाए। 1974 में बनी किशोर कुमार की फिल्म बढ़ती का नाम दाढ़ी में उन्होंने इरशाद के नाम से डायलॉग लिखे और वे उस फिल्म के चीफ असिस्टेंट डायरेक्टर भी थे। 1979 में उन्होंने किशोरदा की फिल्म शाबाश डैडी, उसमें गीतों के बोल यानी लिरिक्स लिखे, और फिर एक महल वो सपनों का, जन्म जन्म, दो मतवाले, साहेबजादे और बेटी नंबर 1 जैसी फिल्मों में उन्होंने असिस्टेंट डायरेक्टर की भूमिका निभाई। इतने अच्छे लिरिक राइटर के विषय में ज़्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं है, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि उनकी फ़ोटो भी उपलब्ध नहीं है। वे भी दरअसल चंद्रधर शर्मा गुलेरी के समान थे, जिनकी एक कहानी उसने कहा था वो लिख करके वे अमर हो गए थे। बहरहाल हम चर्चा कर रहे थे जिंदगी के फलसफे की, कि कठिन परिस्थितियों से उबरने के लिए कभी ना हार मानने वाला रवैया प्राथमिक है। संकल्प लें कि चाहे कुछ भी हो जाए आप असफल नहीं होंगे, इस सोच से आप किसी भी परिस्थिति पर आसानी से विजय प्राप्त कर सकते हैं। गंभीर समस्याओं और बुरी स्थितियों के मामले में ज्यादातर लोग अपना आपा खो देते हैं और तनावग्रस्त हो जाते हैं। किसी भी मामले में घबराने से आपका कोई फायदा नहीं होगा। तो एक बुरी स्थिति में एक गहरी सांस लेने और आराम करके और मुक्त मन से समस्या के बारे में सोचने का दरअसल समय आ गया है। यहां तक कि इस दुनिया के सबसे सफल लोगों को कभी ना कभी असफलता का सामना करना पड़ा था। असफल होना बुरा नहीं है, लेकिन समस्याएं तब पैदा होती हैं जब आप उठकर फिर से चलना शुरू नहीं करते। बहुत से लोग नीचे गिरने के डर से जीवन की चुनौतियों से बचते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप कितनी बार गिरते हैं, मायने ये रखता है कि आप कितनी बार उठते हैं और अपने लक्ष्य से ऊपर जाते हैं, अपनी पिछली गलतियों से सीखें और भविष्य के लिए खुद को तैयार करें। आज हम गीत ले रहे हैं तुम भी चलो हम भी चलें। ये गीत मूवी जमीर से है जो 1975 में रिलीज हुई थी। साहिर लुधियानवी युवाओं के दिलों को झकझोरने और फिल्मों के लिए साहित्य गीत लिखने के लिए लोकप्रिय कवियों में से एक हैं। आंख जब मिलती है तो मीत जन्म लेता है, दिले तन्हाई में संगीत जन्म लेता है। तो इसी पॉजिटिव सोच के साथ लेते हैं विराम। अगली बार ढूंढेंगे फिल्म जमीर के गीत में अध्यात्म। गीत के बोल हैं तुम भी चलो हम भी चलें, चलती रहे ये जिंदगी। गीतकार हैं साहिर लुधियानवी। साझा कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और विश्वास बनाए रखिए। विश्व शांति दर्शन।